नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर में रिलायंस पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए कुछ युवकों में हुई आपसी तकरार, एक का हुआ कत्ल। अमृतसर के क्रिस्टल चौक पर पुलिस और पब्लिक के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, चालान काटने पर पिता पुत्र पुलिस से उलझे। कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 200 लाभ प्रार्थियों को प्रदान की ग्रांट, लाभ प्रार्थी हुए खुश। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर में फगवाड़ा मार्ग के अधीन आते गांव पुंगे में देर रात 1 बजे रिलायंस पेट्रोल पंप पर युवक का कत्ल होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पंप पर तेल भरवाने आए कुछ युवकों में आपसी तकरार हो गई, जिसमें एक युवक का कत्ल हो गया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय तन्वे सिंह उर्फ धन्ना पुत्र अवतार सिंह निवासी रामगढ़ मोहल्ला होशियारपुर के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस अधिकारी मामले की जाँच में जुट गए हैं। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। फगवाड़ा के नजदीक पिंड पूंगे विच देर रात 1 बजे रिलायंस के पेट्रोल पंप से एक नौजवान का कतल होने का मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक पंप के उत्ते तेल भरवाने लई कुछ नौजवानों के विच आपस च तकरार हो गई। इस तों बाद इस नौजवान का कतल हो जाता है। मृतक की पछाण 20 साल के तन्वे सिंह उर्फ धन्ना पुत्र अवतार सिंह निवासी रामगढ़ मोहल्ला होशियारपुर के तौर पर हुई है। उत्थे इस पूरी वारदात की खबर मिलदिया स्थानक पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। मौके पर पुलिस के कई उच्च अधिकारी पहुंचे, जिन्हों वालों मामले को लेकर डूंघाई के नाल तफ्तीश की जा रही है। फगवाड़ा तो दैनिक सवेरा के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है और जो भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अमृतसर के क्रिस्टल चौक में पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर सभी वाहनों की जांच की गई। इस दौरान जिन कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं थे उन्हें रोककर जांच की गई। इसी बीच जब पुलिस ने एक कार को रोका तो कार चालक ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कार में सवार पिता पुत्र ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि इस दौरान उनका चालान जानबूझकर काटा गया है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जांच के लिए उन्होंने कार रोकी थी। इस दौरान कार में सवार पिता पुत्र ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनका चालान भी फाड़ दिया, जिसके चलते पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਨੰਬਰ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗੱਲ ਆ ਹੋਈ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਹਵਲਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 4G, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਾ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਉਣ, ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਬਟੋਨੀ ਚੰਡੀ ਬਣੀ ਕੁੰਦੀ ਕਵਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਚਲਾਨ ਪਾੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਲਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਫਲਾਣ ਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੀ।
कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए सुनाम में 200 लाभ प्रार्थियों को ग्रांट देने के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चीमा में 50 लोगों को अपने घर पक्का करने की ग्रांट जारी की। उन्होंने बताया कि 2,83,00,000 रुपयों के चेक 7 गांवों के विकास कार्य करवाने के लिए बांटे गए हैं। 1,40,00,000 की कीमत से सभी ड्रेनों की सफाई करवा दी गई है और 68,00,00,000 की लागत से नहरी पानी के लिए खालों को ठीक कर दिया गया है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में अमन अरोड़ा ने कहा कि यूनिवर्सल सिविल कोड के मामले में केंद्र सरकार सोच समझ कर निर्णय ले और किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अपने मकानों को पक्का करने की ग्रांट पाकर इलाके के लोग फूले नहीं समा रहे थे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इस संबंध चीमिया के 50 परिवारों को जोड़ा वह पक्का मकान बनाने वास्ते वो जी राशि जी वंटी जा रही है। इस तो पहला तकरीबन 200 के करीब घर यह सुनाम के वंटी जा चुकी है। साढ़े ध्यान जोड़ा भी आता है किसी का कच्चा मकान होते जो सेंटर सरकार की पंजाब सरकार की स्कीम वो मुताबिक काम है जो चल रहा है। अज का जो मेन मुख्य मकसद है अज 2,83,00,000 रुपया वो 7 पिंडा दे कम वास्ते उहदे विच स्कूल भी आ गए, उहदे विच टोबे की रिजुविनेशन भी आ गई, उहदे विच जिहड़े कोई गलियां नालियां दे कम ने धर्मशालां दे कम ने उहदे वास्ते जिहड़ा ये चैक वंडे गए ने या महीने दे विच पैसे आ जाने ने सारे काम है जिहड़ा शुरू हो जाएगा। देखो ये जिहड़ी जो पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये उपर जो है केंद्र सरकार जो भी फैसला करता बड़े सोच समझ के लिए क्योंकि अपना एक अनेकता में एकता की गल आप शुरू तो पढ़ते आए हैं देखते आए हैं तो कोई भी यही काम नहीं होना चाहिए जिसे किसी की भी भावना आहत हो। हुण सरकार साडी सहायता कर रही है जी, असीं इन्हां दा बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जिहड़ा जी घर है नलदा नीमा सीगा नले साडी 7 कच्ची सीगी तो कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जी की मेहनत उन्हों की सिद्धत नाल जिहड़े कि साडे कच्चे घर से उन्हां दे पक्के 7 दे पैसे अज सानू दिते गए नेगे तो सानू कागज दिते गए नेगे। असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आम आदमी पार्टी सरकार का पंजाब सरकार का कमरे डिगे हुए नहीं सहूलत दी सरकार ने बहुत धन्यवाद सरकार का भी जेडे आप दे रहे हैं भी अपने को वागू कोई नहीं है कम करने वाला भी पानी च बैठे हाँ भी कमरे जमा डिगे पे ने सिर बाज देने नाल भी धन्यवाद सरकार का। जी अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे देश से लोग पठानकोट में से होकर जम्मू कश्मीर की ओर रवाना होते हैं जिसको लेकर पठानकोट पुलिस की ओर से पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। चाहे वह शहर के अंदरूनी रास्ते हों या फिर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन हर जगह पर पुलिस समय समय पर चेकिंग कर रही है। दिन और रात लगातार की जा रही चेकिंग के चलते रेलवे पुलिस की ओर से भी स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं जिसके तहत रात के समय भी पुलिस की ओर से पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से आने जाने वाली गाड़ियों को भी पुलिस की ओर से चेक किया जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई भी शरारती अंसर किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। ये जी चैकिंग है ये अमरनाथ यात्रा नूं मद्देनज़र रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा वास्ते की जा रही है। समय समय से इनपुट आउंदियां रहिंदियां वा यात्रियों की सुरक्षा वास्ते ते उन्हां नूं मद्देनज़र रखते हुए और नाल दी नाल जिहड़ी श्री अमरनाथ यात्रा चलती पई है उन्हां दी खास तौर पर इस वास्ते जिहड़ी है चैकिंग है चलती है और जे चैकिंग साडी रूटीन में चल रही है दिने दिने रात लगातार चल रही है। मैं यात्री नूं तुहाडे माध्यम राहीं इह अपील करदा भी वह किसी पर भरोसा ना करन किसी अणजाण यात्री तो कुछ लैके ना खाण आप जे कोई लवारस वस्तु मिलती है जां कोई समान उन्हां नूं दिखदा तो वह तुरंत पुलिस नूं सूचित कर। पुलिस साढ़े वालों बाहरों जी भी लगी हुई है साढ़े को भी लगी हुई है और डिस्ट्रिक्ट भी लगी हुई है और साढ़ा डिस्ट्रिक्ट RPF पुलिस के नाल पूरा पूरा तालमेल है। प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी देर रात अपने परिवार सहित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे जहां पर उन्होंने गुरु घर में माथा टेका और वाहेगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा सरबत के भले की अरदास की। उन्होंने कहा कि जब तक गुरु महाराज की मेहर ना हो तब तक गुरु घर के दर्शन
नहीं हो सकते। वह पिछले 8 महीनों से दर्शनों की योजना बना रहे थे, पर अब जाकर वह गुरु घर में दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गुरु घर में आकर बड़ी खुशी प्राप्त हुई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਸਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਉਣਾ 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 ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣੇ, ਰੈੱਡ ਚਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ। आम आदमी पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाली किरण बेदी अक्सर अपने बोल्ड अंदाज के कारण लोगों को पसंद आती है। किरण बेदी सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंची। इस दौरान किरण बेदी ने सरबत के भले की अरदास की और पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारी क्यों बनाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोई भी अमृतसर विजिट हरमंदिर साहब आके दर्शन अधूरा है, इसलिए मैं आज आई थी एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। लेकिन पहले इधर आए, फिर अब बाकी की प्रार्थनाएं वहाँ हैं। एक क्लोज रिलेटिव पास ऑन हो गए तो उनके लिए उनकी प्रार्थना। इंडिविजुअल एक्ट्स के साथ सारे भारत को पेंट नहीं करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल एक्ट्स होते ही रहेंगे, इंडिविजुअल एक्ट्स गलतियाँ होती रहेंगी और ये समाज है, लेकिन उसको पेंट नहीं करना। लेकिन एक प्रशासन की ओर से, पॉलिटिशियन नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मैं कह रही हूँ, हमारा देश सही दिशा जा रहा है, भविष्य प्लान कर रहा है, अपनी युवाओं के लिए बना रहा है, जो भी ज़रूरत है बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका असर आपको और 5 साल 10 साल बाद आएगा। और जिस तरीके से हम लोग विश्व में तरक्की करते जा रहे हैं, देखो अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो मेरी नज़र है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हम बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। अमृतसर से 2 आवारा कुत्तों को कनाडा भेजने की तैयारी कर ली गई है और दोनों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अब ये दोनों कुत्ते कनाडा की डॉक्टर बेंड्रा के पास रहेंगे। दरअसल एनिमल वेलफेयर एंड केयर सोसाइटी इन कुत्तों को अमृतसर से कनाडा भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। नवनीत कौर 15 जुलाई को इन कुत्तों को अपने साथ ले जाएंगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह खुद कनाडा में रहती हैं और अमृतसर उनका बैकग्राउंड है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने AWCS का गठन किया, जिसका कार्यालय ई ब्लॉक रंजीत एवेन्यू में है। लिली और डेजी नाम के कुत्तों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें बीमारी की हालत में कोई अनजान शख्स उनके पास छोड़ गया था, उनका इलाज किया गया
और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कनाडा के डॉक्टर बेंड्रा ने उन्हें गोद लेने की इच्छा जताई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये रंजीत एवेन्यू में संस्था काम करती है 24 घंटे। जो भी हमारे इंडियन डॉग्स हैं अगर बीमार हो जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास 15 स्टाफ मेंबर्स हैं, पैरावेट्स हैं, वेट और सर्जन ऑन कॉल रहते हैं। ये जॉली सर हैं, ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैं फाउंडर हूँ और ये प्रेसिडेंट है कवरप्रीत जी। तो हम सारे मिलके इस संस्था को चलाते हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमारे पास बहुत केसेस आते हैं इंडियन डॉग्स जो बीमार होते हैं या जो सिक होते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे आके सब हमें सेंटर के लिए एग्स, राइस, आटा वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो दें। दूसरी हमारी ये अपील है कि प्लीज़ आप कोशिश करके इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। अभी इस बार मैं जब आई हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छे जानकार है मिस ब्रेंडा फ्रॉम कनाडा, जो दो इंडियन पपीज़ अडॉप्ट कर रही है, टोटली इंडियन स्ट्रे पपीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे से यहाँ पे। तो मेरा इतना खर्चा हो जाता है उन इंडियन पपीज़ को बाहर ले जाने में कि मैं वो पैसा यहाँ यूज़ कर सकती हूँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आगे आके हमें अपनी प्री नस्ल के डॉग, हम खुद इंडियंस हैं, हमें इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मन की बात 2020 में कि आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए और इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। संगरूर के जहांगीर गांव में पिछले लंबे समय से दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद चलता रहा है और मामला कोर्ट में चल रहा है। करीब 12 बीघा जमीन पर दोनों ही पक्ष अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में दो किसान संगठन आमने सामने हैं। एक जिसकी पहले जमीन थी किरणजीत कौर, उसके पक्ष में पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रह खड़ा आ हुआ है और जो अभी इस मौके पर अपना दावा ठोक रहा है। गुरुचरण सिंह, जिसने कहा कि उसने जमीन खरीदी थी, उसके पक्ष में भारतीय किसान यूनियन डकोंदा आ खड़ी हो चुकी है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जो भी प्रशासन फैसला करेगा जमीन पर उसी को कब्जा कर लेना चाहिए, यहां पर तनाव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये बेसिकली एक जमीनी डिस्प्यूट है, अराउंड 17 बीघे जमीन को लेकर यह डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी लंबा डिस्प्यूट है, 2005 तो यह चल रहा है। एक पास जी पार्टी है गुरचरण सिंह सन ऑफ सरूप सिंह है, जी किसान यूनियन डकोंदा हैगी सपोर्ट कर रही है। जिहड़ा इन्हां दा वर्जन यह है कि इन्होंने 2005 दे विच बयाना किया 7 लाख रुपए का दूसरी पार्टी के नाल जमीन संबंधी, तो 2012 दे विच इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली थी बाया कोर्ट, 2017 दे विच इन्होंने इंतकाल करवाया, तो 2005 तो 6 तो लैके हुण तक यह काबज ने इन्हां दे अकॉर्डिंगली। तो हुण इन्हां दा ब्लेम हैगा दूसरी पार्टी ते कि जिहड़ी दूसरी पार्टी है वह किसान जथेबंदी उग्राह नाल मिल के इत्थे वी साडी जमीन दे विच काबज हो रही है। जिहड़ी दूसरी धिर है वह किरणजीत कौर है, जिहड़ी किसान यूनियन उग्राह उन्हां दी फेवर कर रहे हैगे, तो उहदे विच दूसरी पार्टी का यह कहना है कि जिहड़ी रजिस्ट्री 2005 या 6 दे विच होई है वह गलत हुई है, उहदे खिलाफ वो हाई कोर्ट गए सीगे, हाई कोर्ट दे विचों जिहड़ी रजिस्ट्री ते स्टे लग गया सीगा, तो हुण जो इंतकाल होया सीगा दूसरी पार्टी दे फेवर दे विच उहदे खिलाफ वो SDM कोर्ट गए सीगे, SDM कोर्ट ने उत्ते इंतकाल ते स्टे लगाती है, तो उस दे तहत ही उन्होंने क्लेम किया कि जिहड़ा साडा यह हक इत्थे जमीन ते बणदा, जिहदे तहत उन्होंने किसान जथेबंदी उग्राहां नाल मिल के उत्थे जिहड़ा हैगा धरना लगाया हैगा। सिद्ध शक्तिपीठ, श्री देवी तालाब मंदिर, पावन सरोवर, तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मातृपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मातृपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक संदीप भाटिया एंड पार्टी दिल्ली वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्त जनों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया और भजन गायक संदीप भाटिया एंड पार्टी को माँ की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा,
राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दिल्ली तो आज बहुत ही सम्मानयोग साढ़े भजन गायक उन्हों का परिवार उन्हों का मंदिर के सारे सेवादार वालों कमेटी वालों बहुत धन्यवाद है और उन्हों का स्वागत है कि इन्ना मिठा भगवती माँ का गुणगान कर रहे थे। मैं तुहाडे ते उन्हां दे गुणगान दे विच ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं उन्हां दा बहुत धन्यवादी और संगतां आए हुए मेरे जिन्हें भैणां भरा जिहड़ा अज्ज माँ तिरपुर मालनी दे दरबार च हाजिरी लगवा रहे ने। मैं भगवती माँ अगे अरदास करदा महारानी इन्हां दीआं सारीआं मनोकामना पूर्ण करना इन्हां दे सिर ते इसे तरह मेहर भरे हाथ रखना कि इसे तरह तेरे दरबार दीआं हाजरियां भरदे रहन और चढ़दीआं कलां च रहन निरोग रहन तेरी सेवा करदे रहन। जय माता दी, जय माता दी, जयकारा तिरपुर मालनी मैया राणी जी दा। भारत स्वाभिमान न्यास जालंधर के जिला प्रभारी सुधीर सक्सेना और महामंत्री सतविंदर सिंह कुंडी द्वारा देओल नगर जालंधर में 3 दिवसीय योग शिविर लगाया गया, जिसमें महिला पतंजलि की जिला प्रभारी अनीता द्विवेदी, महामंत्री सरोज बाला, दास महेश, महिला पतंजलि कपूरथला की संवाद प्रभारी प्रवीण चौकरिया, भारत स्वाभिमान कपूरथला के जिला प्रभारी अरुण कुमार और युवा प्रभारी अमरजीत बिट्टू जी ने ज्योति प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। उसके उपरांत शिविर में आए हुए साधकों को आसन और प्राणायाम करवाए गए और योग से अपने रोगी शरीर को निरोगी बनाने हेतु महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया, जिसके बाद सुधीर सक्सेना, अमरजीत सिंह बिट्टू, सतविंदर सिंह कुंदी ने आए हुए पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनका धन्यवाद किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु 13वें श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा चल रहा है, जिसके 13वें दिन भी शिव भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का लंगर लगाया गया, जिनका शिव भक्तों ने खूब लुत्फ उठाया। इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा काली, सोनू छाबड़ा, मीनाक्षी छाबड़ा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, विजय प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। अज बड़ा खुशी का दिन है जोड़ा इच्छाधारी रायपुर के
जलंधर पहला लंगर अमरनाथ जी का लगा और अज 13वां वार्षिक भंडारा वा और 13वां ही लंगर का दिन है जिहड़ा कि 40 दिन 45 दिन लगातार चलना और 1,500-2,000 आदमी रोज इतने भोजन पाता वा। माँ दुर्गा शक्ति जागरण कमेटी मोहल्ला बलदेव नगर की ओर से 22वां वार्षिक जागरण करवाया गया था। इसी उपलक्ष्य में जागरण कमेटी के सदस्य हनुमंत ध्वज को माँ चिंतपूर्णी धाम हिमाचल प्रदेश में चढ़ाने हेतु रवाना हुए। इस दौरान अमृत सिंह, ओम स्वरूप शर्मा, लक्की शर्मा, किशन लाल बाबा, गौरव शर्मा, सौरभ शर्मा, प्रवीण शर्मा, सुखविंदर सिंह, चरणजीत सिंह और नरेश सोनी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। माता जी जय माता जी। माँ दुर्गा शक्ति जागरण कमेटी वालों 1 जुलाई में जागरण करवाया गया सी। 22वां वार्षिक जागरण महल वास्ते सहयोग का पूरा आप धन्यवाद करते हैं। इस उपलक्ष्य आप माता दरबार चिंतपूर्णी मंदिर झंडा लेके जा रहे हैं तो सारे महल वासी साढ़े नाल महामारी ने मेहर भरे हाथ रखे। पार्षद जगदीश दकोहा की बहन चंद्रकांता तनेजा का गत दिवस निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दकोहा गांव के शिवपुरी शमशान घाट पर विधिवत ढंग से किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय चंद्रकांत तनेजा को मुख्य अग्नि उनके बड़े बेटे राजेश तनेजा ने दी। इस मौके पर शैलिंदर तनेजा, अश्वनी नकरा, ममता तनेजा, अमन तनेजा, शर्मिला नकरा समेत परिवार के सदस्य और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत से जुड़े लोग पहुंचे और स्वर्गीय चंद्रकांत तनेजा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। होशियारपुर में रिलायंस पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए कुछ युवकों में हुई आपसी तकरार, एक का हुआ कत्ल। अमृतसर के क्रिस्टल चौक पर पुलिस और पब्लिक के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, चालान काटने पर पिता पुत्र पुलिस से उलझे। कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 200 लाभ प्रार्थियों को प्रदान की ग्रांट, लाभ प्रार्थी हुए खुश। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।